अच्छा, अब एक चीज नई चली है, ऑटोमेशन विद इन ऑटोमेशन। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मान लीजिए हमने कोई चीज ऑटोमेट की, यानी कि हमने उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम किया। जैसे कार की बात करते हैं, हम लोगों ने, इंसानों ने कार डेवलप की, जहां पे आप सिर्फ हल्का सा क्लच दबाएंगे और एक्सीलेटर दबाएंगे और हैंडिंग स्टीयरिंग आपके हाथ में, और आपकी कार चल पड़ेगी। ये तो एक लेवल का ऑटोमेशन हुआ। उसके बाद ऑटोमेशन के अंदर भी ऑटोमेशन होता है कि अभी आप ड्राइवरलेस कार है, मतलब ऐसे ऐसे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स लोग बना रहे हैं, इतने सारे कारों में सेंसर लगा रहे हैं कि आसपास के ट्रैफिक को जज कर लेता है, आपकी जीपीएस लोकेशन ट्रैक कर लेता है, कोई प्रॉब्लम है वो देख लेता है, और मतलब ये बहुत बहुत जल्दी, मुश्किल से 4-5 सालों में लॉन्च भी हो जाएगा। तो ड्राइवर ऑटोमेशन विद इन ऑटोमेशन, ये हमारा एक ड्राइवरलेस काम इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। अपने डेली रूटीन में अगर हम ले लें, तो कई बार हम क्या करते हैं कि कोई मैनुअल हमारा काम होता है, और उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ दिमाग लगाते हैं और ढेर सारे फॉर्मूले लगा देते हैं, तो होता क्या है, वो भी काइंड ऑफ ऑटोमेशन ही है। अभी क्या है कि आपने सिर्फ डेटा डाला और दूसरी शीट में आपकी आपका रिजल्ट निकल के आ गया, तो एक लेवल का ऑटोमेशन हुआ। उसके बाद कोई आपको बताता है कि भाई ऐसे भी फॉर्मूले और ये भी कर लीजिए, तो आपका काम उससे भी ज्यादा रिफाइन हो जाएगा। तो विद इन ऑटोमेशन, तो ये ऑटोमेशन विद इन ऑटोमेशन होता है, काइंड ऑफ इवॉल्विंग है, इवॉल्विंग प्रोसेस है, कि एक एक चीज इवॉल्व होती जा रही है और वो श्रिंक होती जा रही है, ह्यूमन का इंटरवेंशन कम होता जा रहा है और चीजें ऑटोमेटिकली बढ़ती जा रही है। तो ये तो इवॉल्विंग हो गया, लेकिन आजकल एक नई चीज चली है, हाइपर ऑटोमेशन। जब हम लोग ऑटोमेशन करना चालू करेंगे, प्रोग्रामिंग करना चालू करेंगे, तब अपने को समझ में आएगा। अभी कैसा है कि हमारे घर में बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जैसे कि बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, और भी इस तरह के डिवाइसेस, उसमें क्या होता है कि सेंसर लगे हुए हैं, वो सेंसर आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर एसी का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है या एसी बंद हो गया है, तो मेरे घर में लगा हुआ बल्ब उस टेम्परेचर को कैप्चर करेगा और बोलेगा कि इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो मैं फट जाऊंगा, और एसी चल पड़े ऑटोमेटिकली। तो एक चीज का डेटा दूसरी चीज के डेटा को ट्रिगर करता है, और ये आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो आईओटी डिवाइसेस के आने के बाद से ये चीजें बहुत ज्यादा हमारे जीवन जीवन में आती जाएंगी, तो इसको हम हाइपर ऑटोमेशन कहते हैं। उसके बाद ऑटोमेशन विद इन ऑटोमेशन पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि अब सारे प्रोसेस आपस में बात कर सकते हैं। जैसा मैं हूं, मैंने कोई काम किया, मैंने पेरोल डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किया, पेरोल डिपार्टमेंट के पास जैसे ही वो काम आया, वो ट्रिगर हुए और ऑटोमेटिकली उन्होंने कोई काम किया जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास चला गया। तो जब हम कोडिंग करने लगेंगे, तो हम चीजों को ऐसे ट्रिगर कर पाएंगे कि हमें आपस में कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे कुछ कोड लिखूंगा, जब वो ईमेल पेरोल के पास जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो ईमेल के आते ही एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइन पे एक चीज ट्रिगर होगी, जो ऑटोमेटिकली उस डेटा को फाइनेंस डिपार्टमेंट तक भेज देगी। तो इस तरह से प्रोसेसेस आपस में बात करने लगी है। जब हम इसको कोड करेंगे, तो हम भी इसको देखेंगे। और ये पॉसिबल क्यों हुआ ऑटोमेशन विद इन ऑटोमेशन, क्योंकि एक मिस्टर गॉर्डन मूर थे जो इंटेल में काम करते थे, इंटेल चिपसेट बनाती है, तो उन्होंने एक लॉ दिया था कि हर 2 साल बाद जो हमारे पीसी की प्रोसेसिंग पावर है वो डबल हो जाएगी और प्राइस आधा हो जाएगा। अभी हालत ये हो गई है कि हमारे कंप्यूटर्स में प्रोसेसिंग पावर इतनी ज्यादा है कि 100 इंसानों से ज्यादा तेजी से वो काम कर सकता है, और ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहले ऐसा नहीं था, पहले प्रोसेसर बड़े स्लो हुआ करते थे, अगर किसी ने पेंटियम यूज किया हो या उससे पहले का भी यूज किया हो तो समझेगा। लेकिन अभी प्रोसेसिंग पावर इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, अभी नवंबर दिसंबर में इंटेल का 11th जनरेशन प्रोसेसर आ जाएगा, तो मतलब चीजें मतलब बहुत इतनी तेजी से होने लगेंगी कि हम सोच भी नहीं सकते। और ये कुछ रिकमेंडेड लिंक्स हैं जिसके बारे में आप पढ़िएगा, तो आपको एक आइडिया इसके बारे में मिलेगा। हम्म।